ये तो हमने देखा है कि जिन्नात ने अक्सर अपनी मौजूदगी जाहिर की है मुख्तलिफ तरीकों से, कभी किसी आवाज के जरिए तो कभी किसी इंसान के सामने आकर। लेकिन क्या कभी किसी सोते हुए इंसान को ये उठाकर ले गए हैं, या कोई इंसान सोया कहीं और उठा कहीं और? जी हां, कराची के इलाके गुलशन हदीद के पास वाक़े एक ऐसा घर जहां कई चौकीदार तब्दील हो चुके हैं और सबका यही कहना है कि वो जहां सोते हैं वहां से उठते नहीं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो कहीं दूर पहुंचे होते हैं। बकौल उनके, यहां पर एक छोटे कद का जिन मौजूद है जिसको उन्होंने देखा भी है और वही इन्हें उठाकर कहीं और ले जाता है जब ये सो रहे होते हैं। वो क्या है? मैं एक बार दिखा दूं आपको जी, हम हैं कहां पर। आप देख लें चारों तरफ के किस इलाके में हैं, किस एरिया में हैं। इस जगह को देखते एक सवाल पैदा होता है दिल में कि यार ये क्यों बनाया गया है यहाँ पर। तो इसका तो मुझे ही समझ आता है कि कब्जा ना हो जाए, आबाद कर दें। बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी जगह है। जी 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 जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप उसको देखें पूरा। यहाँ भी गेट है, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पूरा देख सकते हैं। ये देखें, ये भी है, वो भी है। ये देख रहे हैं पीछे इसके बैक साइड छोड़ पर। आप जब सोए थे तो कहाँ मिले थे फिर आप? मैं उधर नीचे पड़ा हुआ था। हमें दिखाए। हाँ, चलें उधर। ये उधर आप यहाँ पड़े हुए थे? हाँ, उठा तो इधर पड़ा हुआ, यही जो जगह है यहाँ पे नीचे। जी हाँ, नीचे। तो आपको पता नहीं चला? नहीं पता चला, कैसे मैं नीचे आ गया। नींद में तो नहीं चलते आप? नींद में नहीं चलते, उधर से कैसे आएंगे ऊपर से? तो सर भी तो अपने साथ नहीं है, तो सबके साथ बता रहे हैं। हाँ, कोई भी आता है वही ऐसा ही, कभी कहाँ मिलता है कभी कहाँ मिलता है, और उनको पता नहीं चलता। नहीं पता नहीं चलता, कैसे ऐसे आवाजें आती है, डराते हैं उनको, दरवाजों पर आवाजें आती है। कुछ देखा है आपने कभी यहाँ पर? हाँ देखे हैं, ऐसे फिर गायब हो जाते हैं। क्या देखा? ये ऐसा जिन्न छोटा सा, छोटे से? हाँ बिल्कुल, इतना सा। सही है, फिर भाग जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो फिर तादाद में एक नहीं होंगे फिर तो? फिर वो लातादाद होंगे। ये तो शरारत है ना, कोई ऊपर सो रहा है उसको खींच के नीचे ले आए, वो उठा डरा चौंका, उन्होंने मजा ले लिया इस बात का। इतने कद के बता रहे? हाँ इतने। कहाँ देखा आपने? वो उस जो पीछे वाली जगह दिखाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, चप्पलें किसकी हैं इतनी सारी यहाँ पर? ये 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 कोई कब चला रही है, भाग जाता है वो, छोड़ के भाग जाता है। सुन लें। हाँ। सुन लें दादा। हाँ। वही शक था हमारा, डर के भागते हैं। हाँ डर के भागते हैं, पर ये चप्पल उधर ही छोड़ दिया करती। कितने चौकीदार भागे हैं यहाँ से? ये तकरीबन 6-7 भाग गए। कौन रहेगा? सातवां हूँ मैं। ये वही रूम है मेरे घर से। मुझे वो दिखाएं, कहाँ देखा आपने? नीचे देख के, देख के सुर पे, देख के देख के देख के। इधर ये कौन है? क्या देखा हमें? ये वो बैठा हुआ था। बैठा हुआ था? हाँ। कैसे दिखाएं? नीचे। आए इधर आए, कैसे बैठा हुआ था? ये इस तरह ऐसे करके बैठा हुआ था, ऐसे बैठा हुआ। आया फिर उठ गया, ऐसे ऐसे उठा, मैंने बात की फिर गुम हो गया। कितना बड़ा था? इतना सा था। इतना सा था? बिल्कुल इतना। मतलब गायब हो गया या आपके सामने कहीं भागा वो? नहीं भागा, बस गायब हो गया एकदम, आंखों के सामने से गायब हो गया। हाँ गायब। तो दिखने में कैसा था? कोई बच्चा था? बच्चा, ऐसे बच्चे की तरह था।
मुंह बड़ा था उसका, मुंह बड़ा था ऐसे दांत, हाँ सर बड़ा, हाँ सर बड़ा इतना, दांत भी थे, हाँ दांत भी दिखाए उसने। आपने क्या बोला उसको? मैंने बोला कौन हो आप, हाँ। बात ही नहीं किया, ऐसे दांत दिखाया, गुम हो गया एकदम। फिर मैं जाके सो गया, सुबह को उठा तो फिर नीचे पड़ा हुआ था। आप पड़े हुए थे? हाँ वहीं पे, मैं उधर वहीं पे उस जगह पे। तो पहले जो 6 चौकीदार थे उन्होंने क्या कहा, क्यों भागे यहाँ से? उसने भी ये हकीकत बताई, भाई ये हम इधर नहीं करते हैं, हमारे को नहीं करने देते रोजगार, इधर जिन है, हमारे को ठहरने नहीं देते हैं। मालूम को लेकर आया, फिर किसी को दिखाया ये कुछ? बाबा मौलवी को, बाबा को मौलवी को दिखाया, उनका भी नहीं चला काम, नहीं वो नहीं उनका काम, बस में नहीं कर सके, बस तो नहीं कर सके, बस हम मजबूरी में बैठे हुए हैं। ये अंदर सामान जो इतना मजदूरों का रखा हुआ है, ये मजदूरों का रखा हुआ है, वो भी भाग गए? हाँ वो भी भाग गए इधर से। तो आप ये कह रहे हैं हर कोशिश यहाँ नाकाम रही, नाकाम रही है वो। तो कुछ आपने कहा उनको, क्या चाहते हैं, क्यों डराते हैं, क्यों भगाते हैं, क्यों करते हैं? ये जगह छोड़ के जाए हम लोगों के लिए। एक मिनट, आप कितने बजे सोए रात को? रात को तकरीबन 2 बजे। 2 बजे सो गए? हाँ सो गए। और कब आपको पता चला कि मैं वहां पे हूँ, क्या टाइम हो रहा था? सुबह 6 बजे। सुबह के 6 बजे? 6 बजे नीचे से उठा तो नीचे पड़ा हूँ। तो आप जमीन देखा कैसे मैं नीचे आया हूँ? जी जमीन पे आया हूँ, ऊपर मैं सोया था कमरे में, इधर नीचे कैसे आ गया? ऊपर आप गद्दे पे सोए थे, कालीन पे सोए थे, किस पे सोए थे? कालीन पे सोया हुआ था, नीचे कालीन नहीं था, सिर्फ आप थे? नीचे कालीन सिर्फ मैं था बस। भाई सब साथ हैं, हम साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब साथ हैं। लेकिन भाई भी हम लोग भी हैं, आसानी से आराम से जो बता सकते हैं वो बताएं, क्या था, क्या हुआ था? मैं यहाँ पे आया था किसी के हाथों चौकीदारा करने, ना सही। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा, 1-2 दिन तो मेरे अच्छे गुजरे। अच्छा। यहाँ पे एक दिन सोया हुआ था तो अचानक एक बच्चे की आवाज आई, तो मैं उठा, मैंने आवाजें की, कौन है कौन है, तो इतने में जवाब नहीं मिला, तो लाइट्स ऑफ हो गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लाइट्स ऑफ हुई तो मैंने बोला अभी मैं क्या करूं, पता नहीं कौन है क्या है। मैंने जब लाइट जलाना चाहा तो एक अजीब सा खौफनाक चेहरा ना बिल्कुल मेरे सामने आ गया। जब मैंने वो देखा तो उसके बाद मुझे होश नहीं था, आंख खुली तो मैं बंगले के गेट के बाहर पड़ा हुआ था, मैं वहां से भागा। फिर 1-2 दिन तक मैं यहाँ पे नहीं आया खौफ के मारे। अचानक मेरे इस घर के मालिक आ गए, तो तलाश करते करते पहुंचे, मेरे को बोल रहे हाँ भाई आप वहां पे नहीं हो? मैंने बोला देखो भाई मैंने वहां पे जो देखा मुझे ड्यूटी नहीं करनी। उन्होंने बोला ऐसा आप लोगों ने क्या देखा? मैंने बोला आप एक रात गुजार के देख लो, अल्लाह अल्लाह, तो आपको पता लग जाएगा। अल्लाह, ऐसा नहीं था मैं, अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि आप हमारे साथ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा हमारा भागना दौड़ना, कहीं जगह पे कपड़े पड़े होंगे, कहीं जगह पे हमारी ये जूतियां पड़ी होंगी। देखा हमने, बिल्कुल देखा है हमने, तो बिल्कुल देखा, अभी भी लगता है मेरे को। सही, मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि आप भाग जाओ। तो ऐसे ही दांत बाहर निकले हुए थे यार, ये भी यही कह रहे हैं यार, तो ये एक अजीब सा एक बाल यानी के चेहरे पे, यहाँ तक के खौफनाक डरावना हुआ चेहरा, ऐसे महसूस हो रहा था कि इसने ताजा ताजा किसी का खून पिया है ना। बच के रहिएगा सुनिए, से तो मुझे ना Thank you.
से आवाज आ रही है सुर भाई, यहाँ भी कुंडी है। बाहर से कुंडी लग गया है अलग। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جب کتے بھونکیں یا گدھے ہانکیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، क्योंकि ये शयातीन को देखते हैं तो भौंकते और हांकते हैं। अंदर की बाहर कुंडी लगी हुई है और इसके अंदर से आवाजें आ रही कहा जाता है कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फील आ रही है यहाँ से, जैसे कोई हमारे अलावा भी मौजूद है। तावीज़ भी लगाया सर, दिखाएं सुना। बात नोट करते हैं आप, यहाँ ही क्यों कांच लगे हुए हैं सुर भाई? शायद कोई यहाँ ठीक के लिए, यहाँ भी तो होने चाहिए। यहाँ तो पहले होने चाहिए ना, इधर तो सीढ़ियों के साथ जगह भी नहीं है ऊपर आने की। इधर कांच है और कहीं नहीं है। यार बनाते क्यों हैं? अपने काम भी नहीं आ रही, किसी और के काम भी नहीं आ रही। अक्सर हमारी थॉट ये होती है कहीं कब्जा ना हो जाए, प्लॉट ले लिया, बड़ों की जगह एक रखी हुई है, अभी आबादी नहीं हुई, चलो हम ही पहल कर लेते हैं, कभी कभार चले जाएंगे, चक्कर लगा लेंगे, कोई मेहमान आ जाएगा ले जाएंगे। लेकिन अक्सर कोई वजह होती है जो आबाद नहीं हो पाते। चले नीचे। सुन भाई, कौन है अंदर? आए जल्दी। कौन है अंदर? क्या चीज है? कौन चीज गिरी हुई नजर आ रही चीज लाल भाई? कट तो नहीं किया? नहीं, कोई कट नहीं किया। चले नीचे। सुन भाई, कौन है अंदर? आए जल्दी। कौन है अंदर? क्या चीज है? कौन चीज गिरी हुई नजर आ रही चीज लाल भाई? सीढ़ियां संभाल के उतरी जगह पानी। ऐसे कभी नहीं छोड़ के जाते अपना सामान।
का हाल देखें, इधर का हाल देखें सुहेल भाई, इधर का हाल देखें। बच के सांप भी हो सकते हैं। सांप है, सांप है, डिफरेंट है, ये घोसला होगा। बच के हाल देखें, इधर का हाल देखें, लाहौर वाला क्रूर ना बना, सबको मुस्कुराहट। चुप हो जाओ। ये जवाब है, पहली जगह जिंदगी की, पहली जगह इतनी आवाज है, इतनी ज्यादा दरवाजे पीते जा रहे हैं, बाहर इतनी हवा है और अंदर इधर आ चल पूरे, इसका मतलब है कि सांप लातादार है। ये पता है ना कब लगती है दीमक? हाँ। ये दीमक जी कोई कुछ अर्से नहीं लगती। पूरे घर के दरवाजे एकदम बजने शुरू हो गए हैं, कौन काम करेगा, कौन टिकेगा इधर, और सबसे बड़ी बात सोएगा कौन? इधर आए, जाले लगे हुए हैं सुहेल भाई, ये देखिए, ये सामने रास्ता नहीं है, जाले लगा हुआ है भाई, वो सांपों से बच के। अच्छा वैसे ऐसी जगहों पे ना, ऐसी गंदगी में, कचरे में ऐसी चीजों का रखना लिखना ये भी बेहुर्मती है, ठीक है। कदर करना जो है ना ये बड़ा जरूरी होता है, लाजिम है। ये थोड़ी लटका दिया बस, तभी हर कमरे में लगे बारीक फट चुकी है, ये छत भी फट चुकी है, ये देखें इधर सा अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, किंग करो, एक दिल जो है ना ऐसा हो रहा है यहाँ पर, है ना? सांस हाँ। क्या हो रहा है? तो बस एक साथ ऐसा नहीं होता। हर दरवाजे पे हमें ये सबूत मिला है। दरवाजों की आ रही थी फिर। मुझे तो इसी की आवाज आ रही थी, मैंने आपको कहा ऊपर वाला दरवाजा वाला, मुझे भी यही था कि ऊपर शायद वो खुला, उसकी आवाजें आ रही हैं। आप कुछ भी नहीं।
मेरी बात मान ली हो? नहीं नहीं यार, एक तो होते नहीं है। आराम से सर बचा के, कोई है? कोई नहीं है। दरवाजे की चीज़ हिली भी नहीं। ये लगता है कोई ब्लॉक, कोई ईंट, कोई पत्थर है कहाँ? कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इसका कितना भारी है? इसके अंदर से आवाज आई ना? इसके अंदर से आई है, दो तीन बार आई है। कहाँ है वो चीज? ये सब पहले से मौजूद था ना यहाँ पर? हाँ। आपने कट भी नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। हम बाहर खड़े हैं, पहले भी ऐसा हुआ, इसके अंदर कुछ गिरा हमारे सामने, आवाज अंदर से। हम अंदर आए, कोई नहीं, कोई चीज भी नहीं जिस पे गिरने की आवाज हो। अभी दोबारा यही हुआ, कितनी भारी चीज थी, कोई ब्लॉक नहीं, सिर्फ अंदर ही गिरा है ना कुछ? तीन बार कहा है? यही तो पहले भी देखिए गिराया, दिखा रहा है पूरा घर सुन तो फिर आवाज आराम से सर बचा के, कोई है? कोई नहीं है। और दरवाजे की चीज हिली भी नहीं। आवाज तो गिरने की ऊपर से ही है। एक मिनट, हम नीचे थे जी, हमें दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आ रही थी, और वो हमें अपने आप से नहीं कह रही थी कि ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है जी। हम नीचे, हम जब बाहर आते हैं ऊपर का दरवाजा बंद होता है, वो आवाज किसकी थी? हम जब बाहर आते हैं ऊपर का दरवाजा बंद होता है, वो आवाज किसकी थी? अगर हमें परेशानी करना था तो वेलकम करने की क्या जरूरत थी? रहम रहम रहम। रहम। हम दोस्ती की नीयत से आए हैं, मिलने आए हैं आपसे, माजरत हम खाली हाथ आए, हमें डराए मत। क्या नाम है आपका?
क्या आप अकेले हैं? क्या आपकी फैमिली रहती है यहाँ पर? क्या आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से? क्या आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से? क्या आप चाहते हैं हम चले जाएं यहाँ से? घर है मेरा, आखिरी कुछ ऐसा अल्फाज घर है मेरा, ये आया समझ, इसके अलावा नहीं है। अल्लाह करे कुछ हो, अल्लाह करे कुछ हो। क्या है यार, कहाँ है, कुछ है? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं, पागल हो जाएंगे यहाँ। कुछ नया है यहाँ पर? कोई ऐसा नया पत्थर, ब्लॉक, ईंट? कौन था ऊपर, कोई था पीछे? क्या चीज है सोल भाई, ये क्या चीज है? नहीं 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 गाड़ी 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 इधर 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 गाड़ी यहाँ पे किधर आ गया? माय गॉड, जल्दी आओ, गाड़ी 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 गाड़ी। बैठो 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 गधे 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 क्या बोल रहे हो? देख 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 गधे, माय गॉड, ये कौन था ऊपर, कोई था पीछे? ये क्या चीज है सोल भाई, ये क्या चीज है? सोल भाई, ये क्या चीज है? सोल भाई, गाड़ी 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 इधर 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 गाड़ी यहाँ पे किधर आ गया? My God, जल्दी आओ! गाड़ी गाड़ी गाड़ी। अभी आप लोग बोल रहे हो ना कि आप हमारे साथ हैं, हैं, मानता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा हमारा भागना दौड़ना, कहीं जगह पे कपड़े पड़े होंगे, कहीं जगह पे हमारी ये जूतियाँ पड़ी होंगी। देखा है हमने, देखा है हमने, तो बिल्कुल देखा, अभी भी लगता है मेरे को। सही, मैं आप लोगों को सिर्फ यही बोलूंगा कि आप भाग जाओ। गधे 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 क्या बोल रहे हो? गधे, माय गॉड, ये कौन था ऊपर, कोई था पीछे? ये क्या चीज है सोल भाई, ये क्या चीज है? सोल भाई, ये क्या चीज है? सोल भाई, गाड़ी 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 इधर 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 गाड़ी यहाँ पे किधर आ गया? माय गॉड, जल्दी आओ, गाड़ी 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 गाड़ी।